गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। प्रेजेंट सर। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आवाज बहुत कम आ रही आपकी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। गीतिका, जाह्नवी, सुरेश, ध्वनि प्रेजेंट। गीतिका प्रेजेंट सर। अरे थोड़ा बोलो ठीक से, नहीं तो एब्सेंट हो जाओगे। गीतिका प्रेजेंट सर। हाँ प्रेजेंट बोलिए या यस बोलिए, यस और छोटा बोलिए बस हो गया। और जाह्नवी, सुरेश, जाह्नवी ठाकुर प्रेजेंट सर। वाह बोलने में भी टाइम लगाती हैं। जोया खान, ज्योत्सना कोहली प्रेजेंट सर। ये हुआ खुशबू प्रेजेंट सर। खुशी अरोरा प्रेजेंट सर। लक्षिता प्रेजेंट सर। माधवी प्रेजेंट सर। दूसरा मत बोलना नाम, मैं आवाज पहचान रहा हूँ 11 से। महक, मेघवाल, महक मेहवाल एंड एडलिन प्रेजेंट सर। नम्रता, नरेश, रंजना, रोशनी प्रेजेंट सर। सलोनी प्रेजेंट सर। सलोनी गौतम को मैं पुकार रहा हूँ प्रेजेंट सर। हाँ यस। सौरभ महावर, सौरभ महावर प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। धीरे 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 धीरे, जिनका नाम लेता हूँ वही, जिनका छूट गया मैं बाद में बना दूंगा, चिंता मत कीजिए। सृष्टि सिंह, सोनी कुमारी प्रेजेंट सर। उदिता सोनी प्रेजेंट सर। विवेक पचौरी, विवेक, युवराज सिंह, अनिकेत मांझी, अनिकेत है ना,
ठीक है। अनुज्ञा व्यास, अनुज्ञा नहीं है। कुमकुम प्रेजेंट सर। सलोनी प्रिया शर्मा, सलोनी अरे घर से भी भाई एब्सेंट। अंकित बारेसा, अभी 11th बी का अंकित बारेसा। चंचल कुमारी, हिमांशु, खुशी लोधी, स्नेहा शर्मा और खुशी शर्मा। नहीं ना, चलो सर। हाँ खुशी शर्मा सर। सर सर जानवी की प्रेजेंट लगा दो, वो कंप्यूटर पे तो बोल नहीं पाएगी। अच्छा अच्छा एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, जल्दी से चलिए। अदिति वही बोलेंगे, दूसरा नहीं बोलेंगे। प्रेजेंट सर। अदिति आई? यस सर। हाँ ठीक है, दूसरा नहीं बोलिएगा। अंजलि गौर, अमान, अंजलि विश्वास प्रेजेंट सर, और भविष्य ढाका, भावना मेहता प्रेजेंट सर, और चांदनी साकेवाल प्रेजेंट सर। अरे दूसरा नहीं बोलना। चारू सुवाल का, चलो चेहरा दिखना चाहिए इधर जो बोल रहे हैं। हाँ चारू सुवाल का, चारू वर्मा जल्दी जल्दी। चारू वर्मा है क्या? दर्शना माली, धीरेन्द्र, ध्वनि तिलानी प्रेजेंट सर। ध्वनि किधर है? यही सर। उस समय कहाँ थी? सर सर जाह्नवी सर। अक्षिता प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। जाह्नवी सुरेश वाकडे प्रेजेंट सर। कहाँ है जाह्नवी सुरेश वाकडे? चलो सर वो प्रेजेंट प्रेजेंट है, वो नहीं बोल पाएगी। हाँ सर वो बोल नहीं पाएगी, कंप्यूटर से ज्वाइन है। कहाँ है जाह्नवी सुरेश? चलो चेहरा दिखना चाहिए, देखो सर वो चैट बॉक्स पे लिख रही है उधर। नवी सुरेश ठीक है चलो। सर अक्षिता प्रेजेंट। और एक मिनट बेटा छोड़ो उसको। जोया खान नहीं है। महक मेघवाल, और इसके बाद नम्रता बुनकर। सर महक प्रेजेंट है, उसके माइक में आवाज नहीं आ रही है। अच्छा नम्रता बुनकर क्या प्रेजेंट? बोलो क्या नाम है? महक मेघवाल ना। हाँ तो आपका तो हो गया है ना महक मेघवाल। हाँ सर महक प्रेजेंट। हाँ ठीक है। और नम्रता बुनकर, नरेश चांद, रंजना चौधरी और सृष्टि सिंह, विवेक पचौरी, युवराज सिंह, अनुज्ञा व्यास, सलोनी प्रिया शर्मा और अंकित बारेसा, चंचल कुमारी, हिमांशु, खुशी लोधी, स्नेहा शर्मा, खुशी शर्मा। चलो बाद में भी आने से लास्ट में बोल दीजिएगा जो प्रेजेंट हैं। सर आपने मेरा नाम नहीं लिया, कुमकुम रखो प्रेजेंट। कौन कौन? कुमकुम। कुमकुम अच्छा। सर अक्षिता प्रेजेंट। सर जानवी ठाकुर प्रेजेंट। हो गया अक्षिता भी हो गई है, उदिता भी ठीक है, कुमकुम भी, लक्षिता भी है, सोनी भी है, जितने लोग स्क्रीन पर हैं उनका हो गया है। अंजलि जगताप भी है ना। हाँ हो गया हो गया ठीक है। अब मैं पढ़ाई शुरू करता हूँ, बाद में जो आएंगे उनका मैं कर दूंगा, और पहले आया कीजिए। अभी मैं आ गया हूँ फिर से, अब हिंदी का सिलेबस पूर्ण करना है जल्दी में। कुछ आवश्यक काम होने से मुझे जाना पड़ा था, मगर कोई बात नहीं है, अभी पूरा मैं कर। सर सलोनी प्रिया प्रेजेंट। कौन? सलोनी प्रिया। सलोनी किधर रहती है इतना देर से? ठीक है अभी बाद में बोलिएगा, अभी बना दे रहा हूँ, अभी पढ़ लीजिए, फिर लास्ट में आप बोलिएगा। जो जो लोग हैं उनका मैं बना दूंगा ठीक है ना। अभी आप पढ़ लीजिए पहले। तो चलिए
आरोह पाठ्य पुस्तक निकाल कर रखिए और इधर बोर्ड पर लिखा हुआ है देखिए आरोह भाग दो हिंदी लेसन 10 पाठ 10 रुबाइयां ठीक है। और इसके कवि हैं फिराक गोरखपुरी ठीक है। तो इस पाठ को आज हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने, बीच में उठ करके मत जाइए कोई, और पाठ्य पुस्तक भी सामने रखिए, जो कठिन शब्द हैं उसको लिखिए। और पहले हम लोग कवि का परिचय थोड़ा सा जानते हैं, फिर रुबाइयां पढ़ेंगे। फिराक गोरखपुरी पाठ्यपुस्तक देखिए, इनका वास्तविक नाम रघुपति सहाय है, रघुपति सहाय फिराक इनका नाम है वास्तविक नाम, और गोरखपुर के निवासी होने के कारण गोरखपुरी इनको नाम से इनको बुलाया जाता है, अर्थात प्रसिद्ध हैं फिराक गोरखपुरी, मगर इनका वास्तविक नाम है रघुपति सहाय। याद रखिए, पूछा जा सकता है कि फिराक गोरखपुरी जी का वास्तविक नाम क्या है अगले एग्जाम में, ठीक है। इनका जन्म 28 अगस्त 1896 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था, ठीक है। इनका जन्म गोरखपुर में हुआ, कब हुआ, 1896 में, 28 अगस्त 1896, याद रखिए क्योंकि यह भी पूछा जाता है। और इनका उपनाम गोरखपुरी है, उपनाम माने विशेष नाम, पुकार का नाम गोरखपुरी। इनकी शिक्षा दीक्षा पढ़ाई रामकृष्ण की कहानियों से हुई, माता पिता पहले बच्चों को कहानी सुनाते थे घर में, महान लोगों की कथा, तो भगवान राम कृष्ण की कथा, पांडवों की कथा, पराक्रमी वीर साहसी व्यक्तियों की कहानी सुनाई जाती थी। अभी कुछ कमी आ गई, ये नैतिक शिक्षा जरूरी है, अभी भी बहुत सारे अभिभावक अर्थात पेरेंट्स सुनाते हैं। फिर बाद में अरबी फारसी और अंग्रेजी में इनकी शिक्षा हुई, ठीक है। प्रारंभ हुई नैतिक शिक्षा से और ये अरबी फारसी और अंग्रेजी के, इन्होंने अंग्रेजी में, अरबी में, फारसी में शिक्षा पाई, ठीक है, सुन रहे हैं ना। हाँ यस सर। गुड, देखिए ये 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए, देखिए बहुत मेधावी थे डिप्टी कलेक्टर। अभी कलेक्टर जो अपने यहाँ डीएम बनते हैं वो आईएएस का एग्जाम देते हैं, और आप लोग भी हमारे जितने स्टूडेंट 12 के हैं उसमें से 2-4 बनिए तो बहुत खुशी होगी मुझे। पर स्वराज आंदोलन के लिए उन्होंने 1918 में त्याग पत्र दे दिया। देखिए अभी 11th क्लास में भी एक लेसन पढ़ा के आया हूँ, तो उसमें घर की याद पढ़ाया अभी बच्चों को, भवानी प्रसाद मिश्र जेल में थे, आप लोगों ने भी पढ़ाया। तो स्वाधीनता के आंदोलन, देश को आज़ाद करने के लिए लोग अपनी जान लगा देते थे, और देश को आज़ाद करना धर्म मानते थे, पहली प्राथमिकता थी, और लोग नौकरी को भी छोटा समझते। आजकल तो देश के लिए लोग कोई नौकरी छोड़ेंगे क्या, प्राइवेट नौकरी भी नहीं छोड़ेंगे, गवर्नमेंट वाली तो बात ही अलग है। और इन्होंने डिप्टी कलेक्टर का पद छोड़ दिया देश के लिए, देश इतना बड़ा होता है
ठीक है, मैं छोड़ने के लिए नहीं कहता हूँ, मतलब प्रेम की बात बता रहा हूँ कि देखिए देश से कितना प्रेम था, देश प्रेम, कि सब कुछ लोग न्योछावर करने के लिए तैयार थे, अपनी जान भी, जान तो बहुत प्यारी होती है, हैं? ठंडा का महीना आया, थोड़ा सा ठंडा लग जाए तो लोग कांपने लगते हैं, अरे जल्दी से चादर ओढ़ो और गर्म कपड़ा पहनिए जान बचाने के लिए, मगर हंसते हंसते झूल गए, थोड़ा उनके विषय में याद करो कुर्बानी, ठीक है, उन्हें याद कीजिए। और अभी भी देख लीजिए कि हमारे सैनिक और जवान इतनी ठंड में हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए हमारे हृदय में प्रेम होना चाहिए, ठीक है। बहुत दिनों तक जेल में रहे, और देखिए, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बहुत दिनों तक अंग्रेजी के प्राध्यापक पद पर रहे, ठीक है, अंग्रेजी के भी अच्छे विद्वान थे, भाषा के, लैंग्वेज के, और 1983 में, बहुत फिलहाल ही 2000 हो गए, मैं ज्यादा दिन नहीं हुए, 83 में इनका निधन हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। जाना तो सबको है, एक दिन अच्छा काम करके जाना है, इन्होंने अपने आप को अमर बना दिया। अब जब तक इनकी रचना रहेगी, जब तक दुनिया रहेगी, लोग पढ़ते रहेंगे, तो ऐसा काम होना चाहिए, ये भी शिक्षा मिलती है हम सबको, मिलती है ना, हैं? यस सर। हाँ यस सर। तो सीखिए, हिंदी केवल पढ़ने के लिए नहीं है, हिंदी में ढलना है और ढालना है, पूरे उस वातावरण में, उसके ज्ञान में अपने आप को भिगो देना है, तब होता है। पढ़ाई का मतलब है उसमें से आपने क्या सीखा, उसकी अच्छाई आपने क्या ली, ये है पढ़ाई। लोग पढ़ाई का मतलब परीक्षा और नौकरी समझते हैं, उसके अलावे भी पढ़ाई का अध्ययन प्रेम, देश प्रेम की तरह अध्ययन प्रेम, पढ़ाई प्रेम, इस तरह होना चाहिए, उसके लिए समर्पित होना है। अब थोड़ा सा साहित्यिक परिचय दे रहा हूं, जीवन परिचय और शिक्षा दीक्षा आप लोग समझ गए होंगे। तो गोरखपुरी जी की गणना एक कवि और गजलकार के रूप में होती है, एक कवि भी हैं और गजलकार हैं, गजल सुनने में बहुत आनंद होता है, एक गीत की विधा है, ठीक है, गीत है, ठीक है। तो उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, क्या क्या है, गुले नगमा, बजमे जिंदगी, रंगे ए शायरी, उर्दू गजल गोई इत्यादि। आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी गजल सब मिलेगी, गीत मिलेगी, उस पर भी ध्यान दे सकते हैं। और देखिए, इतने बड़े विद्वान को सरकार और लोग सम्मानित करते हैं, तो इनको विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड आदि से इन्हें सम्मानित किया गया, जो दुनिया को देते हैं, दुनिया और सरकार भी देती है उन्हें। आप दूसरों को दीजिएगा तो आपको भी मिलेगा, कहीं से न कहीं मिलना है, मगर लोग सोचते हैं केवल लेना, देना कोई जानता नहीं है, बहुत कम लोग होते हैं इन्हें स्वार्थ देते हैं दूसरे, और जो देते हैं उन्हें कहीं से न कहीं से मिलता है, वो सम्मानित होते हैं। वे मूलतः उर्दू के शायर थे, ठीक है, वे मूलतः उर्दू के शायर हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा परिचय हुआ, इस पुस्तक में बहुत कुछ दिया है, आप लोग पढ़ेंगे, केवल इतना समझ लीजिए कि उनकी रचनाओं में सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में ढला है,
समाज का जो दुख दर्द है ना, वो उसे अपना दुख दर्द मानते हुए उन्होंने वर्णन किया है, ठीक है। वास्तव में देश का दुख दर्द, अपना दुख दर्द, देश के लोगों का दुख दर्द, हर व्यक्ति का दुख दर्द है। ऐसा नहीं कि दूसरा सुखी है तो हम सुखी ना हो, हमें भी खुश होना है, कोई दुखी है तो हमें भी दुख की अनुभूति होनी चाहिए, तब अपनापन होता है, नहीं तो दूसरों को तो पराया लोग समझते हैं, ठीक है। तो इन्होंने समाज के दुख दर्द को अपना दुख दर्द माना है और उसे कविता, गजल, शायर के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत किया है, ठीक है। इस कविता में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं पाठ, फिराक गोरखपुरी, रुबाइयां, तो प्रस्तुत कविता फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयों और गजलों का संकलन है। रुबाई और गजल हम लोग पढ़ेंगे इस पाठ में। कवि ने रुबाइयों के माध्यम से एक मां का अपनी संतान के प्रति प्रेम को दर्शाया है, प्रदर्शित किया है। कवि ने बच्चों के लिए मां के हृदय में किस तरह का प्रेम होता है उसे व्यक्त किया है। अपनी संतान के प्रति मां के हृदय में कैसा प्रेम होता है उसे व्यक्त किया है, अर्थात मां की, संतान के प्रति मां की ममता का वर्णन है इसमें। समझ गए आप लोग, समझ रहे हैं? मां प्रत्येक परिस्थिति में अपनी संतान को खुश देखना चाहती है। मां हर परिस्थिति में, स्थिति में अपनी संतान को खुश देखना चाहती है, प्रसन्न देखना चाहती है, और इसके लिए मां अपनी संतान की, अपने पुत्र पुत्रियों की सारी इच्छाओं को पूर्ण करती है। बच्चों की जो इच्छा है, अभी शरद ऋतु आ गई, ठंड की महीना आ गया, बच्चे जो चाहेंगे, कपड़े, गर्म कपड़े, चादर, जो भी मां न लेती हुई भी बच्चों को देती है। हम लोगों को तो सब कुछ मिल जाते हैं, मगर गरीबों की भी बात मैं कर रहा हूँ, उनके पास स्वयं नहीं है, मगर बच्चों को देने के लिए कहीं से ना कहीं से व्यवस्था वो करती हैं, खुद ठंड में ठिठुर कर रहती हैं। जैसे दीपावली के त्योहार के समय चीनी मिट्टी के खिलौने लाकर देती हैं, इस कविता में, रुबाइयों में, बच्चों को प्रसन्न करने के लिए दीपावली के समय में, जिस समय में लोग रंग और अपने घर को पोतते हैं, पोचारा करते हैं, तो उस समय भी, उस काम को छोड़कर भी माँ अपने बच्चे को प्रसन्न करने में लगी रहती है दीपावली के समय में। और रक्षाबंधन के पावन पर्व पर ऐसी राखी लाकर देती है जिसमें बिजली की तरह लच्छे चमक रहे हों। हर पर्व और त्योहार में अपनी संतान को माँ अत्यधिक प्रसन्न करती है और प्रसन्न देखना चाहती है। श्रावण मास में आने वाले इस त्योहार में भाई और बहन के संबंध की तुलना घटा अर्थात बादल और बिजली से की गई है। इसमें बहुत सुंदर कवि ने तुलना की है भाई बहन की। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन का त्योहार है माना जा रहा है अभी आधुनिक युग में,
वैसे तो प्राचीन काल में सर्वप्रथम गुरु ने बांधा था अपने शिष्य को, मगर उसका रूप थोड़ा सा परिणत हो गया। खैर ठीक है, अच्छा है, भाई बहन का रिश्ता बढ़े ये बहुत अच्छी बात है। गुरु का रिश्ता और शिष्य का रिश्ता तो रहेगा ही हमेशा। तो इसकी तुलना कवि बादल से और बिजली से करते हैं। और फिर जब हम लोग, ये तो रुबाई में इस तरह का वर्णन है, हर तरह से माँ अपने बच्चे को खुश करती है। दीपावली के गृह कार्य को छोड़कर उसे चीनी मिट्टी की के खिलौने लाकर देती है, और रक्षाबंधन में उसे इस तरह की राखी देती है जो जिसके लच्छे, जिसके बंधन बिजली की तरह चमक वाली हो। और जब फिर हम लोग गजल पढ़ेंगे तो गजल के विषय में बताऊंगा। तो अभी रुबाई, तो अभी कुछ प्रसंग भी हो गए, कवि के परिचय और कुछ प्रसंग की भी जानकारी हुई कविता के विषय में कि क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? कोई नहीं बोल रहे? जाह्नवी ठाकुर। यस सर। भावना में। यस सर। ठीक है, ये लोग 2, 3, 5, 3, 8 आठ लोग बैठे हैं और सभी भाग गए लग रहे हैं। चलो नहीं, ठीक है, अच्छिता अदिति भी है, एडलिन भी है, ठीक है, बहुत अच्छा, सभी लोग हैं, सुन रहे हैं ना आप लोग अच्छे ढंग से? चलिए। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रुबाइयां, अब रुबाइयां कहते किसे हैं, इसे आप थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लीजिए। रुबाई जो है उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है। कविता लिखते हैं ना, कविता की अपनी शैली होती है ना, कविता भी छंद में छंदोबद्ध होती है, छंद में उसकी रचना होती है। आगे आप लोग जब पढ़ेंगे, जैसे अलंकार आपने नवम वर्ग में पढ़ लिया, फिर आपने रस भी 10th क्लास में पढ़ा है, तो अलंकार और रस का ज्ञान आप लोगों को हो गया है थोड़ा। उसी प्रकार से छंद भी व्याकरण का विषय है, वर्ण विचार, व्याकरण के जो भाग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, उसके बाद प्रश्न विचार और छंद विचार, ये 5 भाग हैं व्याकरण, जो हम लोग शुरू में 6th-7th क्लास में पढ़ते हैं कक्षा में, तो उसमें पढ़ाई जाती है। और व्याकरण पुस्तक में आप लोग देखेंगे इसी 5 भाग में पूरा व्याकरण होता है, तो उसमें एक छंद विचार है। छंद विचार मतलब कविता की रचना कैसे की जाती है, सीधे कविता लिख दिया, कुछ लोग लिखते हैं औतुकांत कविता उसको बोलते हैं, जो छंद में नई बधी हुई कविता होती है उसे औतुकांत कविता कहते हैं। कवि लोग भी आज लिखने लगे हैं, मगर पहले की जितनी भी कविता है, जैसे रामायण है, रामचरितमानस है, वो सब छंदोबद्ध है। देखेंगे उसमें चौपाई छंद है, दोहा छंद है, सोरठा छंद है, ये छंद का नाम है, जानकारी के लिए मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। यदि पढ़ाया और समझे नहीं कि रुबाइयाँ क्या है तो फिर तो दिक्कत आएगी, इसलिए पहले इसे समझिए। तो पहले की, जैसे कि कबीर की कविता है, रहीम की कविताएं हैं, दोहे हैं, छंद है, वो छंदोबद्ध है सब। तो ये रुबाई है, तो रुबाई का मतलब है एक प्रकार का छंद, यह उर्दू फारसी का छंद है, ठीक है ना। अब कोई पूछेगा बता देंगे कि रुबाई क्या है, तो एक प्रकार का छंद है, उर्दू फारसी का एक छंद, एक लेखन शैली को रुबाई कहते हैं, ठीक है, जिसमें 4 पंक्तियां होती है, 4 लाइन होती है। देखिए अभी जितना पढ़ाऊंगा सब में 4 लाइन है, 4 पंक्ति है, हाँ, 4 पंक्तियां हैं। इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है, इसमें मिलान होता है,
राइमिंग वर्ड होते हैं लास्ट में, जैसे आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, पहली लाइन। दूसरी लाइन, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, खड़ी और भरी। और फिर देखिए अंतिम लाइन भी है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी, तो मिली हुई है ना। और चौथी लाइन है वो थोड़ा, उसमें थोड़ा अंतर होता है, ठीक है। तो इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है तथा तीसरी पंक्ति स्वच्छंद होती है। तो चौथी पंक्ति में तुक मिली है, खड़ी भरी हंसी और लोका देती है, इसमें थोड़ा सा स्वच्छंद है। स्वच्छंद मतलब इसमें तुक मिलान नहीं है, रैमिंग वर्ड नहीं है। इसे ही हम रुबाई छंद कहते हैं, रुबाई कहते हैं। तो आप लोगों को मुझे जानकारी मिल रही है कि आप लोग समझ गए होंगे रुबाई के विषय में, ठीक है। आगे पढ़ाता हूँ। और रुबाई, एक रुबाई मैंने पढ़ी भी, आंगन में लिए चांद के टुकड़े। देखिए चांद का टुकड़ा का मीनिंग है, आप लोग लिख सकते हैं अति प्रिय, चांद का टुकड़ा, ठीक है ना, बहुत प्रिय। कहते हैं ना यह मेरा चांद का टुकड़ा है, माने बहुत प्यारा। और गोद भरी, गोद भरी माने गोद में लेकर, गोद में भरकर। अरे बच्चों को, संतान को लोग गोद में रखते हैं ना, हैं, बड़े हो जाने से मम्मी भी छोड़ देती है, ठीक है ना, मगर उनकी गोद में हमेशा हम लोग रहते हैं। अब बड़े हो गए तो गोद में कैसे बैठेंगे, मगर वो प्रेम उसी तरह करती हैं, ठीक है। तो लोका देना माने उछाल उछाल कर प्यार करने की क्रिया है। बच्चे को उछालते हैं ना, हिलाते हैं, डुलाते हैं, झुलाते हैं और उछालते भी हैं बच्चे को खुश रखने के लिए, लार प्यार से, दुलार से माँ ऐसा करती है। तो लोका देना उसको बोलते हैं। चांद का टुकड़ा मीन्स अति प्रिय, गोद भरी माने गोद में रखना, लोका देना माने मतलब प्यार से उछालना, बच्चों को खुश करना। तो इसमें कवि ने अपनी संतान के प्रति मां की ममता के गुण का सहज और सुंदर वर्णन किया है, मां के गुणों का। मां के क्या गुण है, मां की जो ममता है पुत्र के प्रति या पुत्री के प्रति, संतान के प्रति जो प्रेम है उसे व्यक्त किया गया है, ठीक है। अब अर्थ सुनिए। कवि कहते हैं कि एक मां अपने आंगन में खड़ी है, एक मां अपने आंगन में खड़ी है, और उसके पास अत्यंत प्रिय, बहुत ही प्यारा चांद के टुकड़े के समान सुंदर संतति है। संतति मतलब संतान है। मां आंगन में खड़ी है, देखिए इस लाइन में है, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, स्पष्ट है ना, मां आंगन में खड़ी है और चांद के टुकड़े को अति प्रिय अपनी संतान को गोद में लेकर खड़ी है। समझ में आया। हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, और वह उसे अपनी गोद में लेकर हाथों पर रखकर झुलाती रहती है। माँ उसे अपनी गोद में लेकर हाथों पर रख करके उसे झुलाती है, ठीक है। आगे है,
वह थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल में अपने बच्चों को हवा में उछाल उछाल कर प्यार करती है। वह अपनी संतान को थोड़ी थोड़ी देर पर कुछ समय के बाद हवा में उसे उछाल कर प्यार करती है, उसे दुलार करती है, ठीक है, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, ये समझ में आ गया, गोद में लेकर उसे हाथों से झुलाती है। रह रह कर मैंने कुछ कुछ देर के बाद हवा में जो लोका देती, मैंने उसे झुलाती है, हवा में उछालती है, उससे प्यार करती है। गुंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी, और ऐसा होने पर उनकी संतान भी खुश होकर खिलखिला करके हंसने लगती है। उस माँ का बच्चा अत्यंत प्रसन्न होकर खिलखिला करके हंसने लगता है। और एक आशय यह है, कवि ने माँ और अपने शिशु के बीच होने वाले ममतापूर्ण व्यवहार वात्सल्य भाव का बड़ा ही सजीव और सुंदर वर्णन किया है। माँ आंगन में खड़ी है, बच्चा उनकी गोद में है, उसे वह कभी चुलाती है, कभी उछालती है, कभी गोद से भरती है, इस तरह लार प्यार दुलार करती है। यह सारांश हुआ, ठीक है। अब भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य भी पूछा जाता है। भाव सौंदर्य में आप लोग अर्थ लिख देंगे, शिल्प सौंदर्य में आप अलंकार बताएंगे और कविता की विशेषता बताएंगे, फिर छंद बताएंगे और किस भाषा का प्रयोग हुआ ये बताएंगे। इन चीजों को शिल्प सौंदर्य में, अर्थात कविता की रचना कैसे हुई ये बतलाएंगे, ठीक है। आगे, नहला के छलके छलके निर्मल जल से, दूसरी रुवाई, नहला के छलके छलके निर्मल जल से माँ क्या करती है कि अपनी संतान को, अपने बच्चे को निर्मल जल से खूब प्रसन्नता के साथ, बच्चे भी प्रसन्न होते हैं, पानी में उछलते हैं, कूदते हैं, तो निर्मल जल में माँ अपने छोटे बच्चे को नहलाती है, उसे पवित्र करती है, स्वच्छ करती है। उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, और फिर स्नान के बाद जब उनके बाल उलझ जाते हैं तो उलझे हुए बालों को कंघी से खूब सुंदर ढंग से प्रेम से सवारती हैं। उलझे हुए गेसुओं में, गेसुओं मतलब बाल में, कंघी करती हैं, उलझे हुए बालों को कंघी करके सवारती हैं। और निर्मल जल से नहला के, ऊपरी पंक्ति का, निर्मल जल में, पवित्र जल में बच्चे को स्नान कराती है, ठीक है, भली भांति स्नान कराती है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके हैं पिन्हाती कपड़े, और फिर माँ उस बच्चे को के शरीर को पोछ करके अपने घुटनों के बीच में या घुटनों पर बैठा करके उसे उसके कपड़े को पहनाती है। जब घुटनियों में लेके, अर्थात घुटनों पर रख कर या घुटनों के बीच में रख कर बच्चे को पिन्हाती कपड़े, माने कपड़ा पहनाती है, अपने बच्चे को स्नान के उपरांत घुटनों पर बैठा कर, घुटनों के बीच में रख करके बच्चे को सुंदर परिधान कपड़ा पोशाक पहनाती है, तो बच्चा अपनी माँ के चेहरे को अत्यंत प्रसन्न होकर के निहारता है। तो बच्चा माँ के मुख को खुश होकर के निहारता रहता है। समझ में आया कि फिर बताऊं? एक बार और आगे बढ़ा जाए। आ गया सर। आ गया ना ध्वनि, बताएगी क्या पढ़ाया इसका, थोड़ा बताओ तो बेटा, ध्वनि पकड़ाई।
बताइए तो सेकंड का पाठ्य पुस्तक है पास में? ध्वनि गुम हो गई? हाँ सर। तो थोड़ा बताओ सेकंड का, नहला के छलके छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को जब घुटनियों में लेके है पिधाती कपड़े। बहुत आसान है, आप तो बता ही सकती हैं। हाँ सर। तो ठीक है, अरे निर्भय बताइए ना, कोई बात नहीं है, अरे मैं सुधारूंगा, आप चिंता मत करें, थोड़ा बोलिए, कुछ दिक्कत नहीं है, अरे बच्चे हैं, थोड़ा गलत होने के बाद तो अच्छा होता है, एक ही बार थोड़े होता है, मुझसे भी अभी तक नहीं हो पा रहा है। चलिए, कवि कितने बड़े विद्वान हैं, उतने विद्वान मैं थोड़े हूँ, तो बताओ अभी इसके बाद। हाँ बताइए ना, आपका चेहरा आना चाहिए स्क्रीन पे, और बताओ। माँ अपने बच्चे को निर्मल जल से नहलाती है, बहुत अच्छा, उलझे हुए बालों की कंघी करती है, और अपने घुटनों में रखकर उसको तैयार करती है, कपड़े पहनाती हैं, और बच्चा माँ के चेहरे को देख करके प्रसन्न होता है, खुश होता है, बच्चा माँ के चेहरे को निहारता हुआ खूब प्रसन्न होता है। तो देखिए कितना अच्छा आपने बता दिया, बस यही है, भाव आ जाएगा, असली मर्म समझ जाएंगे तो फिर तो आप लिखने वक्त में बहुत बात लिख देंगे। तो यही है कविता का मर्म, कहानी का मर्म आ जाना चाहिए, अगर हम समझ गए तो फिर लिखने में तो बहुत सारी बातें बन जाती है, और भाव वही रहेगा असली भाव। तो ठीक है, बहुत अच्छा, तो सभी लोग बीच बीच में जवाब देंगे तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा, नहीं तो मैं बोलता जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, तो आगे बढ़ूं? यस सर। हाँ, तो अभी ध्यान दीजिए, जाह्नवी ठाकुर आप बोल रही है ना, जाह्नवी बोल रही हैं? सर सलोनी प्रिया। सलोनी प्रिया, बहुत अच्छा, तो अभी जो पढ़ा रहा हूँ उसका आप थोड़ा बताएंगे मुझे, बहुत अच्छा है, तो इसको ध्यान से सुनिए, आप बताएंगे मुझे। दिवाली की शाम पर पुते और सजे, दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक एक नम दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। देखिए दृश्य को भी देख लीजिए, अगर आपकी पाठ्यपुस्तक में कुछ दृश्य फोटो है, दीपावली मनाई जा रही है, तो दीपावली की शाम में घर की पुताई होती है और साफ स्वच्छ किया जाता है दीपावली के दिन, ऐसा समझिए, यहाँ शाम लिखा है मगर शाम को हम लोग दीपक जलाते हैं, हो सकता है एक दिन पहले शाम में, ऐसा भी हो सकता है। तो दीपावली की शाम माने दिन में पुताई होती है, घर को स्वच्छ किया जाता है, साफ सफाई की जाती है, घर को रंगा जाता है, और फिर सजे मतलब घर को सुसज्जित किया जाता है, सजाया जाता है, सुंदर बनाया जाता है। दीपावली की शाम घर पुते और सजे, हो गए, दीपावली के शाम में घर की पुताई लोग करते हैं और घर को सजाते हैं, बहुत साधारण अर्थ है। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, परंतु माँ बच्चे को खुश करने के लिए, बच्चे की खुशी के लिए इस काम को भी छोड़कर बाजार जाती है या बाजार से मंगवाती है, ऐसा भी, अगर उनके घर में अपने अलावे कोई है तो बाजार से मंगवाती है, तो बच्चे हमारे खुश रहें इसलिए बच्चों के लिए खिलौने मंगवाती हैं। चीनी मिट्टी के खिलौने लाकर माँ अपने बच्चे को देती है जगमगाते हुए, चीनी मिट्टी के खिलौने
ऐसे होते हैं जिसमें बहुत चमक होती है। कप हम लोग चाय पीते हैं, देखते ना कितना सुंदर कप होता है। तो चीनी मिट्टी के खिलौने बहुत सुंदर हैं, बच्चे बहुत आकर्षित होते हैं। आजकल तो बहुत तकनीक वाले खिलौने आ गए, तो अब तो बच्चे और खुश होते हैं, मगर पहले यही खिलौने थे। हम लोग भी मेला देखने जाते थे तो मिट्टी के खिलौने आदि खरीदते थे, भगवान देवी देवताओं की मूर्ति, पैरोट, तोते और सब भी जो कुछ भी। और हम लोग देखते थे कुछ बच्चे बाघ खरीदते, शेर खरीदते, तो उससे पता चलता है कि क्या पसंद इसको है, इससे उनके मन की भी बात का पता लगता था। अगर आदमी थोड़ा ध्यान रखे घर में तो हर आदमी के विषय में पता कर सकते हैं कि इनकी क्या अभिरुचि है, क्या इच्छा है, किस विचार के हैं, किस व्यवहार के हैं, किस तरह की सोच है, ये सारी चीजों की पता पढ़े लिखे इंसान लगा सकते हैं। तो ये चीज है। तो दीपावली के शाम में माँ अपने बच्चे को खुश करने के लिए जगमगाते हुए चीनी मिट्टी के खिलौने ला करके देती है। वो रूपवती मुखड़े पे एक नम दमक, रूपवती माने माँ की, माँ भी सुंदर है, रूपवती माने सुंदरी, ठीक है, सुंदर, मुखड़े पर अजीब खुशी और मुस्कुराहट होती है, ठीक है। और बच्चे भी अतिशय उस खिलौने को पा करके प्रसन्न होते हैं, मुस्कुराते हैं, दोनों में प्रसन्नता छा जाती है। बच्चे के घरौंदों में जलाती है दिए, और शाम में दीपावली के दिन बच्चे जो खेलने के लिए घरौंदे छोटे छोटे घर बनाते हैं, बालू से, ईंट से, और जिस चीज से भी, किताब से ही मान लीजिए, ये जो चीज मिल गई उसी से, तो उस घर में माँ बच्चों को खुश करने के लिए एक दीपक रखती है और घर को सजाती है, बच्चों के घरौंदों को सजाती है, उस घर में भी एक दिया रखती है और खुद भी प्रसन्न होती है बच्चों की ओर से, और बच्चे भी प्रसन्न होते हैं। तो संतान से माँ के हृदय में इस तरह की ममता और प्यार होती है। तो समझ गए आप लोग, सलोनी समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, चलिए अभी थोड़ा मैं ही पढ़ा देता हूँ, क्योंकि दो और है तो ये समाप्त हो जाएगा, कल पूछूंगा जब आऊंगा तो आप लोग पढ़ेंगे अच्छे ढंग से। तो आगे बढ़ूं। आंगन आंगन में ठुनक रहा है, जिदी आया है, बालक तो है चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे देके कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। बहुत सुंदर। बच्चा, छोटा बच्चा आंगन में नृत्य कर रहा है, दौड़ रहा है इधर से उधर, बच्चे दौड़ते हैं ठुमकते हुए। सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे, घुटनों के बल चलने के बाद में जब चलने लगे पैदल, तो जब ठुमक ठुमक करके चलते थे, माँ यशोदा ने सुंदर वर्णन किया है, और इसी प्रकार श्री रामचंद्र भी जी का भी वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। तो उसी सब का अनुकरण है, यहाँ भी आप सुनिए फिराक जी से भी। तो बच्चा आंगन में ठुमक ठुमक करके चल रहा है, नृत्य कर रहा है, ठुनक ठुनक मतलब नृत्य करना, और जिदी आया है, जिद की है, जिद शब्द स्त्रीलिंग है, बच्चों ने जिद कर दी है। क्या जिद कर दी है? बच्चे कभी कभी जिद कर देते, अभी के बच्चे मैगी के लिए, टॉफी के लिए ज्यादा जिद करते हैं, और मोबाइल तो छोड़ते ही नहीं है ना, मगर ज्यादा मोबाइल मत दीजिए उनको। तो उसके लिए जिद करते हैं, पहले के बच्चे तो मोबाइल था नहीं, तो चांद को लेने के लिए, चांद को, चंदा मामा को देख करके, चंदा मामा फेमस थे बच्चों में, जिद कर देते थे, है ना, चांद को लेने के लिए।
यस सर। हाँ समय बदल गया। तो आंगन में ठुनक रहा है, जिद जिद आया है, आंगन में नृत्य कर रहा है, ठुमक ठुमक करके इधर से उधर जा रहा है, भाग रहा है, और उसने जिद भी की है। क्या जिद की है? बालक तो है चांद पे ललचाया है, बच्चा जो है चांद पे ललचाया है, चांद से आकर्षित है, चांद को चाहता है, चांद को पकड़ना चाहता है, उसे लेकर खेलना चाहता है। सूरदास जी ने वर्णन किया, यशोदा मैया कहती हैं, मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ, है ना, मैं तो चांद खिलौना लई हूँ। कृष्ण ने भी जिद की थी कि चंदा मामा को इसे दो, मैं खेलूंगा इससे लेकर, ये खिलौना इसे खेलूंगा। तो इस तरह बच्चों को देखकर, अपनी संतान को देखकर के माँ सोचती है कि चांद को कैसे ला करके आसमान से इसे दूं, मगर वो बहुत सोचती हैं, क्योंकि बच्चे को तो खुश रखना है, जैसे भी हो, जहां से भी लाना हो, जो चीज देनी हो। तो अंत में माँ निर्णय करती है, एक दर्पण लाकर, एक ऐनक लाकर, दर्पण उसे दे के कह रही है माँ। माँ दर्पण बच्चों के माने बच्चा के हाथ में दर्पण देकर माँ कहती है, देख आईने में चांद उतर आया है, देखो बेटा यह चांद लो, हैं, तुम्हारे आईने में चांद उतर आया है, क्योंकि चांद का दृश्य आसमान से आईने में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि चांद नीचे उतर आया है। इस प्रकार ऐनक दे करके बच्चे को माँ उंगलियों से दिखाती हुई कहती है कि ले बेटा इसे, चांद तुम्हारे लिए नीचे उतर आया है। ठीक है, तो हो गए, समझ में आया? लक्षिता, हाँ लक्षिता दाकर, एक और है, दो मिनट और लेंगे टाइम, बस हो गया। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के हैं बांधती चमकती राखी। दीपावली का वर्णन हो गया, अब रक्षा बंधन का वर्णन कवि करते हैं, कहते हैं। देखिए, रस की पुतली, रस की पुतली मतलब खुशी, खुशी छाई हुई है। रस मतलब आनंद होता है, पढ़ाया ना रस 10 क्लास में, रस में आनंद खुशी। तो रक्षाबंधन का दिन है, खुशी छाई हुई है, हर जगह खुशी फैली है, बच्चों में, परिवार में, भाई बहन में खुशी छाई हुई है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, रक्षाबंधन के दिन और सावन महीना में रक्षाबंधन आता है, खुशी छाई हुई है। लेकिन उसी समय आसमां में हल्की हल्की घटाएं छाई हुई है, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, आसमान में हल्की हल्की घटाएं छाई हुई है, आकाश में बिजली चमक रही है, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, और आकाश में बिजलियां चमक रही हैं, घटाएं छाई हैं, बादल जब लगता है तो बीच में बिजली भी चमकती है। ठीक है, तो आसमान में बिजली चमक रही है, इसी तरह जब बहन अपने भाई के को राखी बांधती है, तो उसके जो लच्छे हैं, धागे हैं, वे भी बिजली के समान चमक रहे हैं। रक्षाबंधन के लच्छे धागे बिजली की तरह चमक रहे हैं, अर्थात कवि ने घटा और बिजली की उपमा भाई और बहन से की है, अर्थात भाई और बहन की शोभा घटा, बादल और बिजली की तरह हो रही है। इसका भाव समझ में आ गया होगा, रक्षाबंधन के दिन हर जगह खुशियां फैली हुई है, आसमान में बादल हल्का हल्का छाया हुआ है, और बहन भाई को राखी बांधती है, आसमान में बिजली चमकती है, और रक्षाबंधन के भी लच्छे बिजली की तरह चमकती है, अर्थात भाई बहन
घटा और बिजली की तरह चमकते हैं, इस तरह कवि ने कल्पना की है। ये आपकी रुबाइया हो गई, उपालंकार है इसमें, रुबाई छंद है, हल्की हल्की में पुंडोक्ति प्रकाश अलंकार है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, आप लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना। कोई बाकी है क्या प्रेजेंट में, एनीवन तो बोलिए, नहीं तो फिर सर रोल नंबर 6, रोल नंबर 6, एक मिनट बेटा रुको, बारी बारी से बोलना। रोल नंबर 6 क्या नाम है, भविष्य ढाका, हाँ। आप आए हैं, और कोई सर रोल नंबर 11, कितना 11, 11 दर्शना माली, यस सर, हाँ। और एनीवन, कोई और सर, रोल नंबर 10 एक बार चेक कर लीजिए, क्या बोलिए, रोल नंबर, रोल नंबर 10, 10, यस सर, 10, नाम चारू वर्मा, अच्छा अच्छा ठीक है चारू, हो गया सर। रोल नंबर 16 जानवी ठाकुर आपका हो गया है, ठीक है सर का, अब है, अब मैं इंड कर रहा हूँ, सबका हो गया ना, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू सर, चलिए आप लोग खाली कर दीजिए, थैंक यू सर।